अस्सलाम वालेकुम लाली दी जान, मैं आपका अपना जावेद खान जहांगीर आपसे मुखातिब जी। इस वक्त हम शूट के लिए रवाना हो चुके हैं और मैंने कहा चलें हेलो हाय कर लें आप लोगों से और साथ गपशप भी हो जाए। सुबह का टाइम है, सुबह खैर तमाम चाहने वालों को। जितनी प्यारी प्यारी आँखें इस वक्त मुझे देख रही हैं, मेरी वॉइस सुन रही हैं जी, सबको वेलकम हो गया। और मेरे साथ हैं बाबर खान स्वाति, मेरे कज़न हैं डॉक्टर बाबर खान स्वाति, आप देख सकते हैं इस वक्त। आज ये हमारी खिदमत में मसरूफ़ हैं और बैक पे हैं आलमगीर खान स्वाति साहब और कैमरा मैन हैं काशिफ मुग़ल और साथ हमारे यहीं के रहिश नज़र लाला साहब भी मौजूद हैं जी। और इस वक्त हम रवान दवा हैं काफ़िले के साथ और शूटिंग के लिए। आज हमारा तीसरा सॉन्ग रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह। दो सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुके हैं, कल हमने माँ वाला सॉन्ग रिकॉर्ड किया था और आज हम इंशाल्लाह बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और अच्छी लोकेशनें हैं, बड़ा बेहतरीन सा व्यू है जो आप गाए बगाए मेरे फेसबुक से देखते रहते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है कि आप लोग जावेद खान जहांगीरी को इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं जी। अल्लाह सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। और इस वक्त इलाके का नाम मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त हम सच्चा से गुज़र रहे हैं। ये जुबोड़ी से आगे एक इलाका है सच्चा और बहुत ही प्यारी ब्यूटी और बड़े ही सादक मिजाज के लोग और बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। और सच्चा की अपनी एक तारीख है और बहुत ही प्यारा सा इलाका है सच्चा का। इंशाल्लाह जब आप वीडियो देखेंगे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते रहें साथ साथ और वीडियो भी शेयर करते रहें ताकि आपको नए नए इलाके भी देखने को मिलें। और ख़ास तौर पे जो हज़ारे के लोग हैं जिन्होंने ये जो प्रदेश में हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं डॉक्टर साहब, हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा उनके लिए काम करें और उनको अपना इलाका दिखाएँ और इतनी मेहनत करते हैं कि उसमें बहुत से खर्चे भी होते हैं आपको पता है, जाहिर सी बात है। कैमरामैन है, पूरी टीम होती है हमारे साथ और फिर हर इलाके में जाना, उसको शूट करना और आप लोगों तक वो इलाका पहुंचाना जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार आपका अपना जावेद खान जहांगीर।